मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के शिवसिंहपुर में नेजा झंडा के लिए बांस काटने गए दो युवक हाई वोल्टेज लाइन के करंट में आने से बुरी तरह झुलसे, जिला अस्पताल में कराया भर्ती। आपको बता दें कि थाना कोतवाली क्षेत्र के देवी चुंगी निवासी विनय उर्फ बीनू और विकास नेजे के लिए पास के ही गांव शिवसिंहपुर में बांस काटने के लिए गए हुए थे, तभी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए। आनन-फानन में स्थानीय लोगों व मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे सैफई पैरामेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है, तो वहीं एक का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वहीं पूरी घटना को लेकर क्षेत्र अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया, एक की हालत नाजुक है, उसको सैफई रेफर किया गया है, एक युवक का इलाज जिला अस्पताल में ही चल रहा है। ना हुई है नुमाइश के पास में गांव शिवसिंहपुर में बिजली से, क्या है पूरा मामला? ये विनय और बिनू और एक विकास, दो जो लगभग 30 साल और 23 साल के जो दो लड़के हैं, ये लोग देवी के रहने वाले हैं। ये लोग गए थे शिवसिंहपुर पड़ता है गाँव पास में ही, वहाँ बांस काटने गए थे। बांस के पास जो है हाई वोल्टेज की बिजली करंट था, वो टच हो गया। टच होने के बाद दोनों झुलस गए हैं, जिसमें एक किसी काफ़ी गंभीर है और एक भी दूसरा झुलस गया है, और दोनों हॉस्पिटल लाए गए थे। एक को भी रिफर किया गया है यहाँ से और एक की इलाज चल रहा है।